हाय क्यूटी से हेडसअप, तो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, वो आप वीडियो में ही देख लेना, स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी। तो चलो वीडियो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर ले। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं CS रैंक के मैच में, जिसने हमने कोई भी गन नहीं खरीदा था, लेकिन मैंने गलती से G18 खरीद लिया था, तो मैंने वापस मतलब उसको फेंक दिया, वापस करने का ऑप्शन आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, हम लोग क्या करने वाले वो आप लोग आगे देख ही लोगे, ठीक है ना। कोई भी स्किप मत करना, गलती से वो चला गया था, वो भूल गया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो गाइस। और गलती से उसने झंडा भी लगा दिया, क्या ही बोले। अब इन्हीं लोग आके तो झंडा देख लेगा, तो हम लोगों ने उसको सजेस्ट किया जाके झंडा ना पिलर के पीछे छुपा के आ जाओ तो अच्छा रहेगा। राइट से इन्हीं लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं, उसको हम लोगों ने बोला तो वो जा रहा है अभी झंडा छुपाने के लिए, तो वहाँ पे उसने झंडा लगा दिया है। अब वो वापस आके अपने पोजीशन पे खड़ा होने ही जा रहा है, खड़ा हो चुका है। और सामने से एनिमी भी आ गया, ओह माय गॉड क्या टाइमिंग है, अगर अभी नहीं आता तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एनिमी आ चुका है, हम लोगों को मार रहा है, साइक से एक बंदा हम लोगों को मार रहा है, शायद वो एस करना चाहता है, देखते लास्ट बंदे को मार पाता या नहीं। लेकिन उसका ट्रिपल टेक डाउन ही हुआ, उसका एस नहीं हो पाया, ये लोग क्या सोच रहा होगा। अरे टीम अप वाला इमोट दिखा रहा है, अभी टीम अप करना चाह रहा है हम लोगों से। नेक्स्ट मैच हम लोग क्या करते हैं देखो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों ने कोई गन नहीं खरीदा है, USP लिया हुआ हम लोगों ने, हम लोग चारों सेम पोजीशन में खड़े हैं। इस राउंड में तो हमारा कोई दोस्त गलती भी नहीं करेगा, झंडा वगैरह कुछ नहीं लगाएगा। वो देखो वहाँ पर वो इमोट दिखा रहा है, हम लोग सब डांस करने लग जाते हैं ये देखो। तो मैंने गोली चला करके ना वो इमोट बंद हो सकता, तो वो कर दिया, हम लोग सब इमोट दिखा रहे हैं, मगर अब बंदों का आने का टाइम हो गया, तो हम लोग चुपचाप से खड़े हो गए, हम लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ कहाँ एनिमी आ जाओ। और देखो राइट से एनिमी आ रहा है, उसने मुझे तो बम फेंक दिया, उस सीट में तो बम से नॉक हो गई और एनिमी लोग को मार दिया फिर से साइक से, डबल टेक डाउन ही हुआ ये लोग का। ये लोग एस कर सकता था आराम से, लेकिन ये लोग एस नहीं किया, इस चक्कर में हमारा ऑनर स्कोर माइनस गया है, मेरा तो 96 का ऑनर स्कोर हो गया। ये देखो ये लोग क्या कर रहा है, उन लोग को वहाँ पे शो कर रहा होगा कि उधर पे गोली चल रहा है, आवाज आ रहा होगा। ये देखो बैठने वाला इमोट दिखा रहा है वहाँ पे बैठ के, देखो हम लोग को इमोट नहीं दिखा रहे क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती थी, मगर वो इमोट दिखा रहा था अभी, तो ठीक है कोई बात नहीं है। ये देखो पीछे का पेड़ कितना सुंदर है ना, क्या कभी आपने नोटिस किया था, मैंने दिखा दिया आज। तो हम लोग अभी फिर से खड़े हैं, ये हमारा सेकंड राउंड था और ये अभी थर्ड राउंड आ चुका है, दो राउंड हम लोग पहले ही हार चुके हैं, मतलब यहाँ पे खड़े होके नो इंटरनेट प्रैंक करके, लेकिन अभी थर्ड राउंड है और वो लोग वहाँ से आ गए, दूर से मारना स्टार्ट कर दिया है, वसंती को भी मार रहे हैं, वसंती हो चुकी है नॉकडाउन, अब संदीप नॉकडाउन होगा या मैं, अब संदीप को मार रहे हैं, संदीप नॉकडाउन हो चुका, अब मैं बस बची हूँ, मेरा क्या होगा, लगता है मैं तो जोनी से मर जाऊंगी। अब आके मुझको भी मार दिया, अभी इस बार भी ट्रिपल टेकडाउन हुआ, इस बार कलुआ एडम हम लोगों को अपना मुंह दिखा रहा है और झंडा गिर दिखा, ओह माय गॉड। चलो अब आ चुका है राउंड 4 जिसमें होगा हमारा कमबैक, तो देखिए गाइस हम लोग कमबैक कर पाते हैं या नहीं अभी पता लग जाएगा। UMP यहाँ पे मैंने खरीद लिया है, काइरोस को फुल कर लिया है EP खरीद के, और मेरे दोस्त ने देखो संदीप ने खरीद लिया M1887 और वहाँ अज्जू बन्ना ने क्या लिया है AWM और MP40 और बसंती ने क्या लिया है, बसंती ने AWM लिया पता नहीं। चलो गाइस अब वहाँ पे देखो सामने में बंदा मार्क हो चुका है, लेकिन मैं मार तो पाऊँगी नहीं, मेरे पास तो UMP इतना दूर का बंदा को मैं कैसे मारूँ। सामने से एक बंदा आ रहा था लेकिन वो जाके छुप जाता है, ये देखो ड्रॉप लूट रहा है ये लोग, और वहाँ पे वो नॉक हो चुका है, तो मैं उस पर ना ग्रेनेड फेंक देती हूँ तब ना वो मर जाएगा, आइस ग्रेनेड ही फेंक देती हूँ उससे भी मर जाएगा। इस साइड में हम लोग के ऊपर एक बंदा ना बॉम्ब फेंकने आया था, मैंने उसको बॉडी मार के नॉक डाउन करके ख़त्म कर दिया। अब वो लोग सोच रहा होगा ये क्या हो गया बाबा, इतना राउंड हारा तो लास्ट भी हार ही जाता, क्यों जीतने लगा। लगता है देखो हम लोगों ने पूरा विन कर लिया है ये वाला राउंड, अब देखते हैं इसके बाद वाले राउंड में क्या होता है। इसके बाद वाले राउंड में हमें मिनी पीक पे पहुंचा दिया गया, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी हो जाता है, कभी कभी कोई हार जाता है, जीतने वाला हारने वाला जीत जाता है। यहाँ पर मैंने ग्रोजा ले लिया और UMP ले लिया, मैंने सबको बोला साथ में रहना, कोई अंधाधुंध रस मत करना यहाँ पर, नहीं तो ये वाला राउंड हार जाएंगे हम लोग, हम लोग का फिर मोए मोए हो जाएगा और गेम हाथ से निकल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साथ में। सामने वाले घर पे देखो एनिमी और वो हमारे ऊपर बम फेंकने वाला था, लेकिन हम लोगों ने उससे पहले ही फेंक दिया, देखो उसने भी फेंका बम, तो मैं वहाँ से घूम गई थी।
अभी हम लोग जा रहे हैं उस पर रस करने के लिए। वो डबल वेक्टर लेके बैठा था, हम लोगों ने उसको मार दिया है। हम लोग सेकंड राउंड भी विन कर गए, उन लोगों का 3 राउंड विन किया, हम लोग 2 राउंड विन कर चुके हैं। हम लोग और 1 राउंड विन कर पाएंगे या नहीं देखते हैं, बराबर हो पाएगा या नहीं, या हम लोग इस राउंड में हार जाएंगे, देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पे मैंने MP5 3 चिप कर लिया, यानी MP5 को मैक्स। अब तो मैं और ज़्यादा परेशान करने वाली हूँ इनमी लोग को MP5 3 चिप से। अब लगता है मैं एस कर लूँगी, क्या लगता है आपको मैं एस कर पाऊँगी या नहीं? ये CS रैंक का मैच है, कोई नॉर्मल मैच नहीं है। और हमारा मास्टर पे पोजीशन है, तो सामने वाले बंदे नूबड़े नहीं आए हैं, वो लोग भी प्रो ही आए, लेकिन वो लोग ना बौखला गए हैं कि ये लोग तो 3 राउंड लगातार हारा था, ये क्या हो गया, ये कैसा कमबैक है, इसीलिए वो लोग ऐसा खेल रहा है। मुझे तो लग रहा है बौखला गया वो, अगर ढंग से खेलता तो आराम से मतलब खेल सकता था। देखो मैंने वो वाला बंदा को ना यहाँ से मार के काइरोस का हेल्प से उसका वेस्ट कितना जल्दी तोड़ दिया। यहाँ पे अब हम लोग बंदे ढूंढ रहे हैं और बंदे मिल नहीं रहे। मुझे तो लग रहा है कि बंदा शायद ना नीचे है, तो मैं नीचे चली जाती हूँ। ओह माय गॉड, बंदे ने मुझ पर हमला कर दिया, यहाँ नीचे आ रहा था, तो मैंने उसको MP5 भर दिया है बहुत ज़्यादा। अब मैं मार चुकी हूँ लास्ट बंदे का, हम लोग का विन हो गया। अब हमारा दोनों का बराबर हो गया है, 3 vs 3। 3 राउंड वो लोग जीता है, 3 राउंड हम लोग जीते हैं। अब देखते हैं लास्ट राउंड में क्या होता है, क्या हम लोग मतलब विन कर पाएंगे या फिर वो लोग विन कर पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कौन विन करेगा? क्योंकि उन लोगों का भी कमबैक करने का मन होगा, उन लोग सोचेगा कि 3 राउंड जीतने के बाद ऐसे कैसे हार जाएंगे, तो उन लोग भी चाहेगा कि वो लोग जीत जाए। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, हम लोग जीतते हैं कि वो लोग। ये संदीप क्या कर रहा है भाई, आइस ग्रेनेड लेके हाथ में कहीं घूम रहा है। मैं तो डर गई थी कि मेरे को फोड़ फाड़ के कहीं ये मेरे को सोबोटाज तो नहीं कर रहा, मतलब मेरे ग्रुप पे रह के उन लोगों के लिए तो नहीं खेल रहा ना गाइस, पता नहीं। चलो ये डब्बा खोल लेते हैं क्या मिल रहा है। इसमें भी MP5 3 चिप ही पड़ी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। बंदे का है बंदे, ये देखो सामने से एक बंदा आ रहा है, मैंने उसको देख लिया और उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन मेरे दोस्त थे वहाँ मेरा किल चोरी कर लिया, और दोस्त उसका फिनिश कर देगा। हाँ फिनिश कर दिया, उसके गन में कुछ ऐसा खास गन नहीं था। अब हम लोग आगे जा रहे हैं एनिमी को ढूंढने के लिए। यहाँ पे संदीप नॉक हो चुका है, मैंने सोचा कि वाल लगा के क्यों ना इसको रिवाइव दे दूँ। देखो वो लोग अच्छा खेल रहा है इस राउंड में, वो लोग इस राउंड में लेकिन अच्छा खेल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है वो लोग। मैं यहाँ पे अपना वो मतलब मेरा हेलमेट वेस्ट थोड़ा सा टूट गया था, तो रिपेयर किट से रिपेयर कर ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं अटक गई हूँ, और मेरा एक बंदा वहाँ पे संदीप ना पूरा ख़त्म हो चुका है, मर गया वो। और मेरा और एक बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका कर दिया है, हाँ नॉक भी हो गया भाई, बस अंतिम नॉक किया उसके बाद नॉक भी हो गए। यहाँ सामने एक बंदा है, तो मैंने उसको अच्छे से नॉक डाउन करके ख़त्म कर दिया है, अब उसको फिनिश कर देती हूँ। और एक बंदा आ गया, मुझे पीछे से मारा था, मैं पहले वुकोंग बनी उसके बाद यहाँ पे आया, मैंने उसको हेड मार के पूरा ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैंने भूया करा दिया है बहुत ही अच्छा सा, तो हम लोग का नो इंटरनेट प्रैंक रॉन्ग नहीं गया, हम लोग नो इंटरनेट प्रैंक करके आराम से जीत चुके हैं। तो क्या आपको और नो इंटरनेट प्रैंक की वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो किस टाइप का चाहिए, मतलब सब कोई का बात आवाज़ सुनना है आप लोगों को उस नो इंटरनेट प्रैंक में कि उन लोग क्या बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ यही सुनना है, या फिर म्यूज़िक के साथ नो इंटरनेट प्रैंक देख रहा है, सब कुछ कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो अगर आपको कोई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो किस कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए वो कमेंट करके बताओ, मैं उस पर बता दूंगी top 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो CS रैंक पे मैं मास्टर था, मैंने बोला था ना, तो मास्टर वाले ही बंदे आ रहे थे। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रही थी यहाँ पे, ये देखो रिकॉर्डिंग में जाके मैंने ये CS रैंक 4 CS रैंक वाला, ये जीत वाला। देखो कैजुअल में भी गए थे, लेकिन वाला नहीं दिखाया, मैंने आपको ये दिखाया CS रैंक वाला। तो चलो थैंक यू, आप लोग मेरा वीडियो देखे, लव यू। जाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो, तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या